वेलकम बैक गाइस, आ चुके एक और धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। भाई देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनार हैं, डिफरेंट साइज ऑफ अनार हैं। तो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग ये अनार है अपने आप में, जो यूनिक है, डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो इस वीडियो में इन सब के हम टेस्टिंग करने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा अनार, पिद्दू अनार से लेके हमने बिग साइज़ का जायंट अनार तक लिया हुआ है, जो कि देखने में थोड़ा सा अलग ही लग रहा है। अनार है क्या है? तो भाई इस वीडियो में इन सब की टेस्टिंग करेंगे। उससे पहले मैं जो दिखा देता हूँ कौन कौन से जो अनार है। भाई ये है सबसे छोटा अनार, तो कितना छोटा है भाई ये, अभी देखेंगे क्या चलने वाला है। ये कोक का है। और भाई ये फिर नेक्स्ट अनार, भाई ये भी कोक का है, उससे थोड़ा सा बड़ा है। और फिर नेक्स्ट अनार है ये मटका अनार, जो कि सोने के लड्डू की तरह लग रहा है। और फिर नेक्स्ट अनार है कोक का, जो कि डीलक्स अनार है। फिर अगला अनार जो है कोक का है, जो कि सुपर फ्लावर पॉट है। और भाई उसके बाद जो ये यूनिक सा अनार, जो कि है सुप्रीम फायरवर्क का गोल्ड स्पेक्ट्रा करके, स्पेक्ट्रा गोल्ड। उसके बाद फिर से गोल्ड आ गया हमारे पास, जो कि है मटका। भाई मटका अनार है, जायंट अनार है, जो कि फिर बाद में है कोक का सबसे बड़ा अनार, जो कि है रंग बारात। ऑलराइट, ये लिटरली सबसे बड़ा अनार है। इसका जो फाउंटेन होता है काफ़ी टाइम तक रहता है, जो कि बड़ा सा ड्रम टाइप का लग रहा है, जो कि है बदी वेल का विंटर रेन करके। भाई अब देखो किस तरह की इसमें रेन निकलेगी, ओवरऑल किस तरह का जलने वाला है। मे भी हो सकता है बड़ा लिख रहा हो, बट चले इससे कम, क्योंकि सबसे बड़ा अनार जो कोक का रंग बारात है, जो कि अलग अलग कलर में जलता है। सो फटाफट से बनवाई बंद करके करते हैं छोटे अनार से लेके बड़े अनार तक की टेस्टिंग। सो गाइस अब जलाते हैं छोटे से अनार को, जो कि लगने में इतना छुटकू लग रहा है। अब देखेंगे ये कैसा चलेगा। छुटकू अनार स्टार्ट। हाँ ओ भाई गाइस, ये छुटको सा अनार इतना ऊंचा फाउंटेन बनाया, भाई ये जबरदस्त है। मैं बता देता हूँ भाई, ये है कोक का फ्लावर पॉट बिग। भाई लिटरली इतना ऊंचा फाउंटेन बनाया, लगभग 10 फुट के समथिंग का, ये जबरदस्त है। सो भाई अब जलाते हैं स्पेशल फ्लावर पॉट को, इसका डिस्प्ले देखेंगे कैसा रहेगा और कितनी हाइट तक ये जाने वाला है। ओ भाई ये तो गजब था भाई, मुझे लगा अब खत्म होगा खत्म होगा, लेकिन बढ़िया जला भाई। ये था कोक का स्पेशल फ्लावर पॉट। सो गाइस अब जलाते हैं छुटको अनार का, छुटको और मटको अनार को। भाई ये देखें इसका डिस्प्ले कैसा रहेगा और फाउंटेन जो कैसा रहने वाला है भाई छोटे से अनार का। सो लगा के आग भागते हैं इसको, जल जा भाई क्या कर रहा है। जल पड़ा जल पड़ा। ओ ओ भाई ये अनार दिखने में ही छोटा है भाई, फाउंटेन देखो कितना लार्ज बनाया भाई, चर करके प्रेशर के साथ भाई इसमें से सारा आइटम निकला। तो भाई ये अनार जो जबरदस्त निकला यहाँ पर, छुटकू मटकू अनार। सो भाई जलाते हैं अब कोक के डीलक्स अनार को, अब ये देखेंगे कैसा रहने वाला, कितने हाइट तक जाएगा फाउंटेन इसका कैसा रहेगा। तो भाई इग्नाइट करते हैं, ये रही हमारी टॉर्च, और भाई लगा दी हमने इसमें आग। ओ भाई गाइस ये लगभग गया 17-18 फुट तक गया, इतना ऊंचा फाउंटेन बनाया। और टाइमिंग भी डीलक्स अनार की जैसी रहती है ना, उनमें सबसे बेस्ट टाइमिंग भी रहती है, वो कोक वाले की रहती है। मस्त आइटम है भाई। तो भाई अब जलाते हैं सुपर फ्लावर पॉट को, भाई ये देखेंगे इसका फाउंटेन कितना ऊपर जाने वाला है और ये कैसा रहने वाला है। सो गाइस अब जलाते हैं इस बिग अनार को, भाई ये देखेंगे कैसा रहेगा, इसका डिस्प्ले कैसा रहेगा। ओ भाई क्या जबरदस्त डिस्प्ले निकला इसका, और टाइमिंग भी कितनी ज़बरदस्त रही भाई यहाँ पर इसकी। मुझे लग रहा फाउंटेन की हाइट जो जो इससे पहले चलाया था ना हमने, उससे थोड़ा सा कम रही। सो गाइस कितना ज़बरदस्त जो फाउंटेन निकला, और टाइमिंग देखो कितनी ज़्यादा रही, काफ़ी देर तक ये चलता रहा। सो भाई कुछ तरह का जलाए भाई, अब नंबर है इसका बदी वेल का विंटर रेन करके। भाई ये अनार को जलाते हैं भाई, ये कैसा निकलने वाला, ड्रम देखो कितना तगड़ा बनाया उन्होंने अनार का। सो भाई जलाते हैं। ओ
भाई ये जलते ही जब फुस हो गया है पर। सो गाइस एक बार सेल देखो कितना छोटा सेल इसके अंदर निकला, और ये मिस भी हो गया। अब इसमें फ्यूज लगाया मैंने, तब जाके हम इसको जलाएंगे। आई होप अब जले ये। सो गाइस इसके लिए हमने इतनी तारीफें कर दी ना, और ये आइटम जो हमारा फूस निकला, लिटरली फूस निकला भाई। सो गाइस ये है बदईवेल का वो अनार जो भाई मिस हो गया था, यहाँ जुगाड़ बनाया, देखते हैं चलता नहीं चलता। प्रेशर क्रिएट नहीं होगा क्योंकि क्योंकि मैं मुझे डरा दिया इसने भाई। ओपन है भाई, नैरो स्पेस से निकल गया तभी प्रेशर क्रिएट होता, अदरवाइज ये भर भर करके चलेगा देखना। सो गाइस फाइनली जला बदईवेल का ये अनार भाई, कुछ तरह की परफॉर्मेंस रही। फाइनली हमने इसको जला लिया, जुगाड़बाजी करके ये फेल हो गया था, तो भाई फिर भी लाइक बनता है इसके लिए, हमने अरे हमारे लाइक हमारे जुगाड़ के लिए। सो भाई जलाते हैं स्पेक्ट्रा गोल्ड को भाई, ये देखेंगे कैसा रहेगा इसका फाउंटेन, कैसा रहेगा और डिस्प्ले कैसा रहने वाला बेसिकली फाउंटेन का। ओ तो गाइस ये कलर वाला है, और देख सकते हैं कितना कलर निकल रहे हैं, अलग अलग कलर में जल रहा है ये। और क्या बात है भाई, इसकी टाइमिंग देखो यार, टाइमिंग कितनी जबरदस्त थी, कितनी देर तक जला भाई। ये फुल पैसा वसूल है, जैसे अगर एक अनार जलाना ना तो वो ये है गोल्ड स्पेक्ट्रा सुप्रीम का। सो जलाते इस मटका अनार को भाई, ये देखें इसका फाउंटेन कैसा रहेगा, कितनी हाइट से जाएगा। ओ भाई गाइस ये तो बारिश टाइप का था भाई, ये मटका अनार जो बारिश टाइप का था, इसमें क्रैकलिंग के साथ जो इसमें स्पार्कलर्स निकल रहे थे ना भाई, वो बारिश की तरह से झर करके भारी प्रेशर आ रहा था, जैसे कि कोई झरना बह रहा उसकी तरह ये चला। सो गाइस अब नंबर है सबसे बड़े अनार का, ये देखेंगे बाकी से कितना अलग ये रहने वाला है। सो गाइस ये था सबसे बड़ा अनार रंग बारात भाई, ये अलग अलग कलर में जला, और इसकी टाइमिंग कितनी जबरदस्त सही। और भाई इन सब अनार में आपको एक कैसा लगा, बेसिकली इसकी टाइमिंग जबरदस्त थी, और फाउंटेन लास्ट में जाके काफ़ी ऊपर गया, और काफ़ी मल्टीपल कलर में बेसिकली ये चला। ये आइटम कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद हो वीडियो कर दें लाइक, और शेयर कर दें दोस्तों, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब।